हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाला हूँ कि साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है वर्नहर ब्राउन। ऑप्शन बी कह रहा है जे रावर्ड ओपन रिहीमर। ऑप्शन सी कह रहा है एडवर्ड टेलर। ऑप्शन सी सैमुएल कोहेल ने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वार्नर वान ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र का विकास वार्नर वान ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल, प्रौद्योगिकी मिशन में इनमें से चार में से क्या शामिल है। ऑप्शन ए कह रहा है तिलहन। ऑप्शन बी दालें। ऑप्शन सी मकई। ऑप्शन डी सब्जियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, कह रहा है सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए ड्रेसर। ऑप्शन बी यूजीन स्टीनैक। ऑप्शन सी एडवर्ड कालनिविनिक। ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड कालविन ने। सेक्स हार्मोन्स का पता एडवर्ड कालविन ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है एड्स वायरस क्या होता है। एक सूची आर एन ए, दोहरी सूची आर एन ए, एक सूची डी एन ए, दोहरी सूची डी एन ए। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा एक सूची आर एन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गैस आर्गन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन ए पेट्रोल के साथ। ऑप्शन बी केरोसिन के साथ। ऑप्शन सी कह रहा है जल के साथ। ऑप्शन डी पाइरीडीन के साथ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पाइरीडीन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो क्या है? क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर क्रिया नहीं करता वो हमारा हीलियम है। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। नेप्थलीन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कोल तार। ऑप्शन बी डीजल। ऑप्शन सी चारकोल। ऑप्शन डी कैम्फर। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कोल तार। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे। इसके ऑप्शन हमारा ए है 1979, 1980, 1984, 1986। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1986, ऑप्शन डी 1986। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को शुद्ध किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण द्वारा। ऑप्शन बी आसवन द्वारा। ऑप्शन सी विद्युत अपघटन द्वारा। ऑप्शन डी
ओजोन अपघटन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, ग्रीन हाउस गैस का क्या अभिप्राय है। तो इसका पहला ऑप्शन ए कह रहा है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन, एक सेकंड, जरा कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कह रहा है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी की ऊपरी सतह और सूर्य ऊर्जा का संग्रह, ऑप्शन डी वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बोन एज होता है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्सी हाइपोफास्फेट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, क्या हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अब आपको इनमें से बताना है ग्रीन हाउस कौन सी गैस नहीं है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो हमारी गैस है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों गैसें हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सागरीय खरपतवार सी वीड्स जिस किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन, क्या हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव के योगदान करता, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया और ओजोन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है हरित घर का प्रभाव गैस योगदान है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, कौन सा राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, इलाहाबाद में। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में, मतलब राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान हमारा बेंगलोर में खोलने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है, ऑप्शन ए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम इंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका संस्थान नहीं है, प्रशिक्षण परीक्षण एवं अंक शोधन, प्रौद्योगिकी विकास, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, चूहों का विष का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन सी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रिपीट हो चुके हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जिंक फास्फाइड, ऑप्शन डी।
चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइट है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट, सस्य अवशेष, जलीय पादप, वन अवशेष। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुओं का अपशिष्ट। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, एक सेकंड। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है। दोस्तों बताना चाहते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको, और वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर अपने दोस्तों के लिए नहीं किया है तो आप पहले अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।